फ्रेंड्स, मैं विनोद सर विनोद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा पिछले वीडियो में। उसमें हमने जाना कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज ये जानेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने देखा कि कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल एन दा का प्रयोग किया जाता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, कहाँ कहाँ पर। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। डोंट, आज का सेशन रहेगा डोंट यूज ऑफ आर्टिकल। कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, जहां पर आर्टिकल का प्रयोग होता है उसके साथ साथ हमको यह भी पता होना चाहिए कि कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, हमने डेफिनिट आर्टिकल दा के बारे में पढ़ा दोस्तों। दूसरा हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में भी जाना और हमने सीखा कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आर्टिकल, हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था कि आर्टिकल तो वैसे कुछ नहीं होता है, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल केवल पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव का भाग होता है ये केवल। तो ए और एन इसका यूज हम केवल सिंगुलर के लिए करते हैं दोस्तों। काय के लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम विशेष विशेष जो यूनिक थिंग्स होती है उसके लिए करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये सिंगुलर के लिए लगेगा तो प्लूरल के लिए तो लगेगा नहीं। तो सबसे पहली एक पहली रूल निकल के यहां से आया, ये रूल नंबर वन, कि ये प्लूरल के लिए तो यूज होगा ही नहीं। नंबर एक, कि जो भी प्यूरल में होगा वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते दोस्तों। तो नंबर एक चीज हुई। नंबर एक हुआ कि प्यूरल नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात हुई हमारी कि जो मटेरियल नाउन होगा दोस्तों, जो मटेरियल नाउन होता है उसके लिए भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मटेरियल जैसे बात करें हम कि यहां पे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, या फिर बाटर हुआ, ऑयल हुआ, ETC, ये मटेरियल नाउन है। तो ये मटेरियल नाउन के आगे अगर हम कह दें कि यहाँ पर ए लगा दें या यहाँ पे हम एन लगा दें तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ना तो हम ए का यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम एन का यूज़ कर सकते हैं, ना ही दा का यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों का यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तीसरी बात करें हम तीसरे रूल की, कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जो भाववाचक संज्ञा होती है उसके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे बात करते हैं यहां पे हम ऑनेस्टी, गुड की, बेड की या नाइस, तो इसके आगे हम नहीं लगा सकते। हम आर्टिकल कब लगा सकते हैं? अगर इसके पीछे कोई नाउन हो, जैसे ऑनेस्ट बॉय अगर हो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि एन ऑनेस्ट। लेकिन केवल अगर यहाँ पे ऑनेस्ट हो तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत होगा अगर आपने प्रयोग किया तो।
ना तो हम एन का प्रयोग कर सकते हैं ना ही यहाँ पर दा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसके साथ में मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई नाउन हो, अगर कोई नाउन हो प्लस उसके आगे का अगर एडजेक्टिव आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, तो ही हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अगर केवल एडजेक्टिव आ रहा है और आप कहो कि उसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ करें, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा। अगला देखते हैं, तो इससे क्या कि हम जो भी एडजेक्टिव नाउन होगी, जो भाववाचक संज्ञा होगी, उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगली बात करें हम रूल नंबर 4 कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जैसे यहाँ पे बात कर ले हम फूड, फूड या लंच, ऐसे जो नाउन होंगे जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें तो जैसे कुछ डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसके आगे हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं बीमारियों के लिए। रूल नंबर जो भी था 5 था 6 था, जैसे डिसीज हुई यहाँ पे, जो बीमारियाँ होंगी उसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। अगली बात करें तो जो गेम्स होंगे उसके आगे, गेम्स के लिए भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले बात करें तो जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के लिए भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं लगा सकते हम कि द हिंदी, ये गलत होगा, कुछ नहीं लगा सकते द इंग्लिश। जो लैंग्वेज होती है दोस्तों उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत होगा, आर्टिकल का प्रयोग उसमें नहीं आता है। इसके बाद अगली बात करें तो जो प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन उसके लिए भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे इंडिया, तो हम यहाँ पे द इंडिया नहीं लगा सकते, ये गलत होगा, यहाँ पे केवल इंडिया आएगा, तो यही सही होगा। या बात करते हैं यहाँ पर हम अमेरिका, तो हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हम, ये बिल्कुल गलत होगा, अमेरिका ही सही होगा। हम बात करें यहाँ पर कि द हम यूएसए लिखते थे, यूएसए, तो ये यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड कंट्री है, उस इसलिए हम द का प्रयोग करते थे, बाकी प्रॉपर नाउन के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम एज ए प्रॉपर नाउन को यदि हम कॉमन नाउन की तरह बिहेव करें तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी हम प्रॉपर नाउन के लिए कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि जो आर्टिकल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, प्लूरल नाउन के लिए नहीं करेंगे हम, इसके बाद हम मटेरियल नाउन के लिए नहीं करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए नहीं करेंगे, गेम्स हुआ या लैंग्वेज हुई, इन सभी के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इस और आप क्या करें दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का चिन्ह दबा दें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।